सो हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश और आप देख रहे हैं श्योर फ्यू। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का कुछ खास मन था नहीं, क्यों दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, दो दिन पहले ओप्पो A11 और ओप्पो A11 प्रो में और उसके साथ साथ ओप्पो A9 2090 एडिशन में एक न्यू अपडेट आया। उससे पहले दोस्तों 10 से 15 दिन पहले एक और अपडेट आया था जो कि C.23 था, तीनों डिवाइस के लिए सेम ही था, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था। तो उस अपडेट में दोस्तों कुछ खास देखने के लिए नहीं मिला था, सिर्फ जो कि सिस्टम इम्प्रूवमेंट, सिस्टम का जो स्टेबिलिटी है वो परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ था। उसके बाद दोस्तों आज से दो दिन पहले तो एक अपडेट आया जिसका वर्जन नेम है दोस्तों C.24। उसके साथ दोस्तों कुछ न्यू फीचर ऐड हुआ है और इस मंथ का जो सिक्योरिटी पैच है, जून मंथ का सिक्योरिटी पैच, वो भी ऐड हुआ है। मैं आपको दिखा दूंगा उससे पहले। और उसके बाद दोस्तों ये अपडेट आने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो यूज़र मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जो यूज़र अभी ऐड हैं वो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि आकाश भाई ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो दोस्तों उसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और उसके साथ साथ जो अपडेट में क्या कुछ न्यू फीचर आया है मैं इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो अपडेट है 333 MB का अपडेट आया था जिसका वर्जन नेम है C.24। और उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर फीचर्स में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अपडेट लॉग में आप देख सकते हैं, सिक्योरिटी में एडेड द जून 2020 एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच टू एनहेंस सिस्टम स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर दोस्तों जो कि C.23 में जून का सिक्योरिटी पैच नहीं मिला था, तो इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर C.24 में जून का सिक्योरिटी पैच एडिट कर दिया गया है। और उसके बाद दोस्तों सिस्टम में लिखा हुआ है ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस एंड एनहेंस सिस्टम स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर दोस्तों ये तो लिखा है, मगर यहाँ पर जो अपडेट आने के बाद कुछ बग्स फेस करने पड़ रहे हैं उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, और कुछ और न्यू फीचर ऐड हुए हैं उसके बारे में पहले बात कर लूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जो फीचर ऐड किए गए हैं वो फीचर के बारे में यहाँ पर जो मेंशन नहीं किया गया है अपडेट लॉग में, तो क्या कुछ फीचर ऐड हुआ है दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूँ। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं दोस्तों, जो सबसे पहला जो फीचर ऐड हुआ है रिसेंटली डिलीटेड। तो यहाँ पर दोस्तों फाइल मैनेजर में अगर आप जाइएगा तो फाइल मैनेजर में फोन स्टोरेज के नीचे आपको रिसेंटली डिलीटेड का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, अगर आप जैसे फोटोज में मान लीजिए जो फोटोज था आपका, फोटोज या फिर वीडियोज डिलीट करते थे तो वो क्या होता था, रिसेंटली डिलीटेड में चला जाता था। वहाँ पर 30 डेज यानी कि 30 दिन तक रहता था, अगर आपको वहाँ से रिस्टोर करना होता था तो रिस्टोर कर लेते थे। तो दोस्तों वैसा ही सेम चीज यहाँ पर फाइल मैनेजर में ऐड कर दिया गया है, जो कि दोस्तों कि मान लीजिए यहां पर आप भूल से कोई फाइल या फिर कोई भी फोल्डर डिलीट हो गया तो आप रिसेंटली डिलीटेड से जाकर के उसको रिस्टोर कर सकते हो। तो ये पहला फीचर ऐड किया गया है जो कि मेंशन नहीं है इस अपडेट लॉग में। और उसके बाद दोस्तों जो फीचर ऐड किया गया है वो है गेम स्पेस का। तो आप दोस्तों गेम्स जब ओपन करोगे तो असिस्टेंट को नीचे डाउन करोगे तो वहां पे दोस्तों एक न्यू ऑप्शन आया है, वो है ऑटो प्ले का ऑप्शन। और उसके बाद जो दोस्तों जो तीसरा फीचर ऐड किया गया है, जो आखिरी फीचर है दोस्तों जो ऐड किया गया है, वो है दोस्तों आप अगर अपने फोन के डिस्प्ले में होल्ड करिएगा, होम स्क्रीन में होल्ड करिएगा, होल्ड करने के बाद दोस्तों नीचे में आपको सेटिंग का आइकन मिल जाता होगा। सेटिंग के आइकन में क्लिक करते ही दोस्तों आपको वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते थे जो कि शॉर्टकट्स थे जो आप यूज़ कर सकते थे। तो वहाँ पर दोस्तों क्या है, सबसे ऊपर में ही दोस्तों जहाँ पर ऐप प्रिडिक्शन का ऑप्शन आता था, ऐप प्रिडिक्शन के ऊपर ही दोस्तों आप सभी को मिल जाता है लॉक होम स्क्रीन लेआउट। तो इसको अगर आप इनेबल कर दीजिएगा तो आपका कोई जो होम स्क्रीन में कोई ऐप्स वगैरह रहते था तो आप इधर से उधर मान लीजिए आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, कहीं से मिस टच होकर के वहाँ से सिलेक्ट होकर के कहीं और शिफ्ट हो गया तो वो नहीं होगा, वहीं पर जहाँ पर फिक्स्ड है वहीं पर फिक्स्ड रहेगा। और दोस्तों जैसे कि कोई ऐप्स है अनइंस्टॉल वगैरह करते थे तो अनइंस्टॉल में मान लीजिए अगर आप होल्ड करके रखे हो भूल से अनइंस्टॉल हो गया तो दोस्तों वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, अगर आप ये ऑप्शन ऑन करोगे तो जो ऐप है दोस्तों अनइंस्टॉल क्लिप पर क्लिक करने से अनइंस्टॉल होगा नहीं। अनइंस्टॉल करने के लिए पहले इसको ऑफ करना होगा, उसके बाद जो है आपका ऐप अनइंस्टॉल होगा। ये तीन फीचर है दोस्तों जो कि इस अपडेट में ऐड किए गए हैं, जो कि 333 MB का आया था इन तीनों डिवाइस में। तो दोस्तों अब बात करते हैं ये जो 333 MB का अपडेट आया है C.24, उसके बाद क्या परफॉर्मेंस में इंक्रीजिंग हुआ है या फिर और भी ख़राब हो गया है पहले से ज़्यादा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मेरे WhatsApp ग्रुप में बहुत ज़्यादा यूज़र है ओप्पो F11 और ओप्पो F11 प्रो के, जो बहुत ज़्यादा यूज़र है मेरे 5 WhatsApp ग्रुप है। तो मैं लिंक तो WhatsApp ग्रुप में YouTube के जो वीडियोस में मैं लिंक देता हूँ वो एक ही देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे वो बंद करके रखा हुआ है। अगर आपको एक्टिव ग्रुप में ऐड होना है तो आप वहाँ पे जा करके मुझे मैसेज करोगे तो मैं ऐड कर
दूंगा। अब रही बात ये जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो मुझे दो दिन से बोल रहे हैं कि आकाश भाई जो फिंगरप्रिंट है वो बहुत स्लो वर्क कर रहा है। तो दोस्तों उसके लिए क्या करना होगा, मैंने भी अपने डिवाइस में देखा तो वहाँ पे जो फिंगरप्रिंट है वो सही में जो स्लो चल रहा है, तो उसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश भी की, मतलब उसको रिमूव करके ऐड किया न्यूली, तो वहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, वहाँ पर फिर भी मतलब वैसे ही स्लो हो जा रहा है, कुछ देर तक ठीक रह रहा है उसके बाद स्लो हो जा रहा है। तो उसके लिए दोस्तों क्या करना होगा, नेक्स्ट अपडेट का वेट करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको एक काम करना पड़ेगा, क्या मैं आप सभी को बता दूँ, सबसे पहले दोस्तों आप जाइए ट्विटर पर, तो ट्विटर पे जाने के बाद दोस्तों ओप्पो कस्टमर केयर का जो अकाउंट है, ऑफिशियल अकाउंट, वेरीफाइड अकाउंट है, उसमें जा करके आप मैसेज करिए। तो मैसेजिंग में क्लिक करके आप वहाँ पे फीडबैक दीजिए कि जो ओप्पो F11 और ओप्पो F11 प्रो है उसमें जो फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन है वो स्लो हो गया है। तो ऐसा अगर आप फीडबैक देते हो तो जो नेक्स्ट अपडेट आने वाला अपडेट है उसमें ये जो बग है वो फिक्स कर दिया जाएगा। और दोस्तों मैं ओप्पो कस्टमर केयर का नंबर भी मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो ऑफिशियल लिंक है मतलब ट्विटर का अकाउंट है जो, उसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो आप वहां से भी ओपन करके आप जा करके उसे ओप्पो कस्टमर केयर को मैसेज कर सकते हो, फीडबैक दे सकते हो। तो वहां क्यों देना है दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, क्योंकि दोस्तों ये जो तीनों डिवाइस है, इन तीनों डिवाइस में जो फीडबैक टूलकिट है जो ट्रायल वर्जन में रहता था तो उसको तो रिमूव कर दिया गया है, तो इस वजह से वहां पे नहीं दे सकते हो। तो आप या फिर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप में मैसेज करके, जो व्हाट्सएप का कस्टमर केयर का नंबर है वहां पे मैसेज करके, या फिर जो ट्विटर अकाउंट है वो ट्विटर अकाउंट पे आप जाकर के मैसेज करिएगा, फीडबैक दीजिएगा, तो वो बेस्ट रहेगा। तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ओप्पो सर्विस सेंटर का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसका लिंक मैं दे दिया हूं, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप जाकर के फीडबैक दे सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही कुछ था दोस्तों, आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल कर दें ताकि मेरी फ्यूचर में आने वाली वीडियो देख सके सबसे पहले।